अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारा टिकटॉक का अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, हम क्या करें। तो भाई आप सबसे पहले ये पांच गलतियाँ करना बंद कर दें। ये आप पांच गलतियाँ करते हैं इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहली गलती, हैशटैग बहुत ज़्यादा यूज़ करना। जिस तरह की आपकी वीडियो होती है उस टाइप के हैशटैग नहीं लगाते हैं इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर आप डांस की वीडियोस बना रहे हैं तो डांस के हैशटैग्स आपको लगाने चाहिए। अगर आप मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस बनाते हैं तो मोटिवेशनल टाइप की हैशटैग्स आपको लगाने हैं। ये जो लोग काफ़ी लोगों के आपने सुने हैं कि फॉर यू लगाओ, ग्रो लगाओ, वायरल लगाओ, तो भाई इससे कुछ भी नहीं होता। जिस टाइप की आपकी वीडियो है वही हैशटैग आपको लगाने हैं। आपकी दूसरी गलती ये है कि वीडियोज़ का डिलीट होना, वीडियोज़ वायलेशन में चले जाना। तो वो ऐसा होता है कि ज़्यादातर आप वीडियोस किसी और के उठाकर अपने अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो इस तरह वीडियो वायलेशन में चली जाती है। और टिकटॉक का अब जो एल्गोरिथम है बहुत ही सख्त हो चुका है। अगर आप टिकटॉक की वीडियोस में तेज से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, तो फिर भी आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि नॉर्मल स्लो होकर बात करें और वीडियो पोस्ट करने से पहले उस वीडियो को 1000 दफ़ा देखें कि ये सही है या नहीं। काफ़ी दोस्तों से पूछें जो टिकटॉकर्स हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये वीडियो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तीसरी गलती आपकी ये है कि टिकटॉक पे वीडियोस कम पोस्ट करना। एक वीडियो पोस्ट करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर आपको टिकटॉक में फेमस होना है तो आपको 3 या 2 वीडियो लाजमी पोस्ट करनी है। आपकी चौथी गलती, बार बार उसी वीडियो को पोस्ट करना, रिपीटेड कॉन्टेंट। तो इस वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो बार बार वही वीडियो पोस्ट ना करें। अगर वो वीडियो आपकी वायरल हुई है तो दोबारा इसी तरह आप दूसरी वीडियो बनाएं। अपनी शर्ट का कलर चेंज होना चाहिए और वॉइस भी दोबारा ही रिकॉर्ड करनी है आपको। ये पांचवी गलती जो कि आप टिकटॉक में हमेशा करते रहते हैं, ट्रेंडिंग म्यूज़िक का यूज़ ना करना। आप यूट्यूब से कहीं से भी म्यूज़िक आपको पसंद आ जाती है वो अपने वीडियो में लगा देते हो, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। अभी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। चलो आओ मैं बताता हूं। जी सबसे पहले आप टिकटॉक में जाएं, जो आपका अकाउंट फ्रीज़ है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। तो ये जो हमारा अकाउंट है ये फ्रीज़ है, मेरे एक फ्रेंड का है, उसने कहा था कि मुझे अनफ्रीज करके दो। 3-4 दिनों से ना यही ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक ये जो अकाउंट है सही हो चुका है। पहले तो व्यूज़ ही नहीं आते थे, 1-2 व्यूज़ आते थे, ठीक है। तो वो जो पिन में लगी हुई है ना, वो नीचे वाली वीडियो मैंने पिन में लगा दी है। बड़ी बड़ी वीडियोस जो पहले वायरल हुई थी 8 मिलियन तक भी गई है, 1 मिलियन, 8,19,000 तक भी गई है। तो फिर अभी जो हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो 3-4 व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाई। कौन सी लगाई, इसका एक स्क्रीनशॉट निकालें और दूसरा स्क्रीनशॉट एनालिटिक में आप जाएंगे, एनालिटिक्स टूल्स। हाँ जी ये, हाँ जी पहले जो ये आप देख रहे हैं ना एंगेजमेंट वीडियो व्यूज़ प्रोफाइल व्यूज़, तो ये पहले माइनस माइनस में थे, तो मैंने ये यहाँ पे ना ट्रिक पहले से ही लगा दी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको बना लेना है। अगर आपका फ्रीज़ होगा तो यहाँ पर प्लस 47 आ रहा है तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें ये जो हैं जो ब्लू कलर की हैं, नीले कलर की हैं, तो वो आपको माइनस में मिलेगी। तो कंटेंट में जाएंगे आप, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये वाला फॉलोअर्स में जाएंगे। फिर फॉलोअर्स में ये देखो हमारे जो ग्राफ एरो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकालें। तीनों स्क्रीनशॉट अगर आपने निकाल दिए तो सबसे पहले आप एक काम करें, ऐप स्टोर में जाके टिकटॉक सर्च करेंगे। टिकटॉक के अंदर जाके रिव्यू करना है हमें, 1 स्टार देना है और सी ऑल, और यहाँ पर राइट रिव्यू। रिव्यू में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टाइटल में लिखनी है रिक्वेस्ट, ठीक है। रिव्यू में ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सर आई हैव 99.1K फॉलोअर्स एंड आई एम पोस्टिंग माय बेस्ट वीडियोस, बट द व्यूज़ आर नॉट कमिंग मोर देन 50+ एंड नन ऑफ माई वीडियोज़ आर गोइंग वायरल, प्लीज़ फिक्स इट। यहाँ पर आपको यूज़र नेम लिखना है, माई टिकटॉक यूज़र नेम जो आपकी आईडी का नेम है, और नीचे माई ईमेल एड्रेस जो आपकी ईमेल है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर रिव्यू में पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करके सेंड कर दें। फर्स्ट स्टेप आपका ये, और अभी आप टिकटॉक में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग एंड प्राइवेसी में, सेटिंग और प्राइवेसी में जाके रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। अभी आपको फीड, सर्च एंड शेयर में जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन आपको अदर में जाना है। यहाँ पर आपको नो करना है, फिर बेक आना है आपको, फिर बेक आना है। अब आप फॉलो, लाइक्स, कमेंट्स में, फिर आपको यहाँ पर भी अदर में जाना है। यहाँ पे भी आपको नो करना है, फिर बेक करना है। यहाँ पे फॉलोविंग टू फास्ट, यहाँ पे भी आपको नो करना है, फिर बेक आना है, फिर बेक आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाना है, अदर में जाना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि येस करना है, फिर बेक आना है, फिर बेक आना है। फिर ऊपर आप ये चीज़ देख रहे हो, इसमें जाएं, और यहाँ पर जो हमने कॉपी की थी वही पेस्ट करनी है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट करनी है। और जो तस्वीरें हमने बनाई थी, स्क्रीनशॉट लिए थे, तो यहाँ पर चार फोटोज़ यहाँ पर अपलोड करनी है। नंबर एक, चारों फोटोज़ आपने इसमें अपलोड कर दी, तो अभी आप सबमिट कर दें। दूसरा स्टेप भी आपका हो चुका, अभी लास्ट स्टेप करना है, ठीक है। अभी गूगल क्रोम में जाना है, क्रोम में शेयर योर फीडबैक टिकटॉक, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है वो लगा देनी है। हमारी ईमेल यहाँ पर थी, आपको अपनी ईमेल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है। ये मेरी ईमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। और यूज़र नेम, जो आपके टिकटॉक का यूज़र नेम है, वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अकाउंट बैन एंड सस्पेंशन और टेल अस मोर अदर ऑप्शन, हाउ कैन वी हेल्प, ठीक है। यहाँ पर वो जो हमने कॉपी की थी ना अपील, ये सारी कॉपी करके दोबारा वहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, हमने जो चार तस्वीरें बनाई थी, स्क्रीनशॉट लिए थे, यहाँ पर अपलोड करें। अभी ये एग्री करके सबमिट कर दें, ठीक है। ये तीन तरीके अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपका अकाउंट कुछ ही दिनों में अनफ्रीज हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने भाई के लिए दुआ करें। जज़ाकअल्लाह।